नहाती रहती है जी। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। क्या हो गया है आपको जी? हम 6 साल से हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। हम पागल से हो गए एकदम। अभी तो नहीं आप पागल लग रहे हैं जी? अब जब से आपकी कथा सुन रहे हैं तब से थोड़ा ठीक है। हम बार बार कई बार आए आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात आपसे हो नहीं पाती। कोई बात नहीं, अब हो रही है। देखो, कथा सुनने से ये ठीक हो गई जो कि कह रही हैं अपने आप को, हम पागल हो गए थे जी। जी हम पूरा पागल हो गए थे, अभी हम बहुत ठीक है। अब भगवान आपको पूरा ठीक कर देंगे जी। हाँ जी, हम बार बार क्या होता है, हमको बच्चा नहीं है, तो हमको एक गुरु जी बताए कि आप शंकर जी का पूजा करिए, तो वो हम पूजा करने लगे। उन्होंने कहा कि एक बाल गंदा नहीं रहना कहीं चाहिए, एक कपड़ा नहीं गंदा रहना चाहिए। अब वही हम करने लगे, इतना करने लगे कि पूरा घर के अलमारी के कपड़े निकाल देते हैं, सब धो देते हैं, रात भर नहाते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं, और दवा कुछ आराम नहीं। कोई बात नहीं, कोई दवाई नहीं लेना, कुछ नहीं करना। आपको एक काम करना है, नित्य केवल कथा सुनिए, और भगवान देखो संतान के लिए आप रोइए मत। देना ना देना ईश्वर का काम है। आज की कथा में हमने कहा कि विदुर जी को संतान नहीं थी, मीराबाई को संतान नहीं थी, उन्होंने भगवान को अपना मान लिया। भगवान को अपना बना लीजिए, देने वाले तो वही है। भगवान करें आपको दें, दे देंगे। वो दिन भर नहाने से संतान नहीं होती कि नहाती रहो पानी में, डूबे रहो जी। किसी को बच्चा हो जाता है, जैसे सामने डिलीवरी हो गई तो हम घर में अपना सब धोने लगते हैं। नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब नहीं करना आपको। आपको तो जब आप लघुशंका जाएं, शौच के लिए जाएं, तब आप स्नान करें, और लघुशंका जाएं तो हाथ पांव धुल लें, कुल्ला करें बस जी। हमको बाकी ये नहीं कि दिन भर नहाती रहेंगे जी। हमको शुगर है, तो आपने बताया था 3 दिन फलाहारी खाना है। फल फूल खाइए, सलाद खाइए, शुगर कंट्रोल रहेगी। तो सर उससे गुरुजी हमको 160 हो गया है। देखो कंट्रोल हो गई ना जी, हम दवा भी नहीं कर रहे हैं। दवाई की जरूरत ही नहीं है, शुगर कंट्रोल करना है तो आप केवल सलाद खाइए। सलाद मतलब ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, और आप पपीता जरूर खाइए जी। गुरुजी हम ठीक हो जाएंगे ना? बिल्कुल मैया, आप ठीक हो गई, हो जाएंगी, नहीं हो गई, इतनी अच्छी बात कर रही हैं आप। किसी को डिलीवरी हो गई अगर तो किसी को हो गई, आप टेंशन ना पालो।